दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख ट्रस्ट वोट सेट्स द टोन फॉर 2019 पोल तथा द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट हियर इज हाउ इट अनफोल्डेड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था एवं संविधान खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। अविश्वास प्रस्ताव। गौरतलब है कि 18 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद में मॉब लिंचिंग और अन्य दूसरे मुद्दों पर जोरदार हंगामा हो रहा था। इसी हंगामे के बीच लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी के नेता केसीनेनी श्रीनिवास ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया और 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय कर दी। आपको बता दें कि 20 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 126 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 325 मत पड़े। लिहाजा विपक्षी दलों द्वारा लाई गई अविश्वास प्रस्ताव की कोशिश सफल नहीं हो पाई। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब तेलुगु देशम पार्टी ने ऐसी कोशिश की थी। इससे पहले भी एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के ठीक 2 महीने पहले यानी 16 मार्च को उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की असफल कोशिश की जा चुकी है। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का गणित यह है कि इस पार्टी द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। विशेष राज्य की मांग पूरी न होने पर नाराज होकर तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग हो गई। उसके बाद यह विपक्षी दलों की मदद से अविश्वास प्रस्ताव लाने की असफल कोशिश करती रही है। आज हम इस आर्टिकल के अंतर्गत कई प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे, जैसे अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यह किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है, इसके लिए संविधान एवं अन्य कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं। हम यह भी जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या है, इसे कब कब लाया गया है और इसमें आगे की राह क्या है। तो चलिए एक एक कर इन सभी प्रश्नों के जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और यह किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में स्पष्ट तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंध रखता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। लोकसभा की नियमावली के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रस्ताव की प्रकृति कुछ इस तरह की है कि इसे विपक्ष का कोई सदस्य ही ला सकता है। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी विशेष आधार की आवश्यकता नहीं होती, न ही यह किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रखकर लाया जाता है। इसकी विषय वस्तु सिर्फ यह होती है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल नहीं है। अगर संसद के किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का बहुमत या विश्वास खो चुकी है, तो वह दल अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। आपको यह भी बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही इसे अन्य सभी प्रस्तावों या कार्यवाहियों पर वरीयता दे दी जाती है। अन्य प्रस्तावों की तुलना में इसे काफी समय भी दिया जाता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देता है तो सरकार गिर जाती है। अब देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या है। गौरतलब है कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली में परंपराएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण होता है। इस तरह की प्रणाली में सरकार तय अवधि से पहले तभी जाती है जब वह खुद इस्तीफा देने का फैसला कर ले या खुद इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए। विश्वास मत में विफल होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस मॉडल में निर्वाचित निचला सदन ही महत्वपूर्ण होता है। ऊपरी सदन में बहुमत या अल्पमत के ज्यादा मायने नहीं होते। आपको बता दें कि ब्रिटेन में ही दुनिया का पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें वर्ष 1742 में रॉबर्ट वालपोल की सरकार के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित हो गया था।
इसके बाद मार्च 1782 में फ्रेडरिक नॉर्थ की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 19वीं सदी तक आते आते ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की परंपरा स्थापित हो चुकी थी। 2011 में बने फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट के तहत समय से पहले चुनाव कराने के दो तरीकों में से एक अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिराने का तरीका भी है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से 14 दिन के भीतर सरकार दोबारा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती तो सदन भंग कर दी जाती है। कनाडा में आम सहमति वाली प्रणाली है। यहाँ गवर्नर जनरल ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनते हैं जिनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने हुए सांसदों का विश्वास मत हासिल होता है। सामान्यतः यह व्यक्ति संसद में बहुमत हासिल करने वाले दल का नेता होता है। यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटाया जा सकता है। जर्मनी, स्पेन और इसराइल में अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही सांसदों को अपने उम्मीदवार का प्रस्ताव भी रखना होता है। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव उसी समय पेश किया जाता है जब नए उम्मीदवार के लिए विश्वास मत पेश होता है। वहां इस बदलाव को अविश्वास के लिए रचनात्मक मतदान कहा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली के विपरीत विश्वास मत के गिरने से जर्मनी में चांसलर को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, बशर्ते यह प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से न लाया गया हो। इटली में अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। इसके लिए किसी भी सदन के 10% सदस्य इसका प्रस्ताव दे सकते हैं। जापान में संविधान के मुताबिक प्रतिनिधि सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अमेरिका में जहां शासन की राष्ट्रपति प्रणाली है, वहां शायद ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। हालांकि वहां न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को महाभियोग के जरिए हटाने के मामले आम हैं। अब बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को सदन में कब कब लाया गया। गौरतलब है कि 1952 में हुए पहले संसदीय चुनावों से अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। कई बार विपक्ष इसके समर्थन में बहुमत जुटा पाने में असफल रहा है, किंतु संसद में कई बार अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ है। आपको बता दें कि शुरुआत में इसे विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध का साधन मात्र माना जाता था, जिसका मकसद सरकार की जवाबदेही तय करना होता था। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर शुरू होने के बाद विपक्ष के इस हथियार का महत्व काफी बढ़ गया है। गौरतलब है कि संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 1963 में पेश किया था। आपको बता दें कि सदन में यह अविश्वास प्रस्ताव 347 के मुकाबले 62 वोट से गिर गया था। भारत के संसदीय इतिहास में इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। सदन में सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव रखने का रिकॉर्ड सीपीएम नेता ज्योतिर्मय बसु के नाम है। अविश्वास प्रस्ताव की वजह से जाने वाली पहली सरकार मोरारजी देसाई की थी। इनके खिलाफ लोकसभा में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। पहली बार तो देसाई जी अविश्वास प्रस्ताव से बच गए थे, किंतु दूसरी बार 1979 में उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे बहुमत खो चुके हैं, तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1979 में ही चौधरी चरण सिंह की सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास का नोटिस दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने की आशंका में चरण सिंह ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसी प्रकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बीपी सिंह की सरकार को जाना पड़ा। आपको बता दें कि 1989 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद बीपी सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 1993 में नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन नरसिंह राव की सरकार किसी तरह से बच गई। 1997 में कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। संसद में विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने सदन में बहुमत खोने के कारण इस्तीफा दे दिया। वहीं 1996 में एनडीए की सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई और मत विभाजन के महज 13 दिन बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह 1999 में एनडीए सरकार सिर्फ 1 मत के अंतर से विश्वास मत हासिल करने से चूक गई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब देखते हैं कि इसमें आगे की राह क्या है। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव संसदीय परंपरा का एक अहम हिस्सा होता है। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें काम करती थीं, तब अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध का एक साधन माना जाता था। इसका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता था।
लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में विपक्ष के इस हथियार का महत्व काफी बढ़ गया है। जब भी विपक्ष को लगता है कि उसके पास सरकार को मुश्किल में डालने लायक संख्या बल है तो वह अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आता है। इसके समर्थन में वे सदस्य आते हैं जिन्हें सरकार में विश्वास नहीं होता। इधर कुछ दशकों से यह देखने में आ रहा है कि सरकार और विपक्ष प्रायः हर मुद्दे पर आपस में उलझ जाते हैं, जिससे संसद की कार्यवाही निरंतर बाधित होती रहती है। इससे आवश्यक विधायी कार्य भी सदन में जगह नहीं बना पाते। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था कि संसद के लिए डी से शुरू होने वाले तीन शब्द आवश्यक होते हैं जो संसद की कार्यवाही को सुगम बनाते हैं, मसलन डिबेट यानी चर्चा, डिसेंट यानी मतभेद, डिसीजन यानी निर्णय। उन्होंने कहा था कि अब इसमें चौथा डी भी जुड़ रहा है जिसका मतलब डिसरप्शन यानी बाधा होता है, किंतु संसदीय लोकतंत्र में बाधा का कोई स्थान नहीं होता। सदन में बार बार बाधा उत्पन्न होने की वजह से सार्वजनिक महत्व के बहुत से मुद्दों को स्थान नहीं मिल पाता। आपको बता दें कि संसद में कभी कभार किसी गंभीर मसले पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर तक बाधित होना सामान्य बात है, लेकिन निरंतर व्यवधान के चलते संसद की कार्यवाही बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके कारण समय और धन दोनों का नुकसान होता है। इसके समाधान के लिए सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर सहयोग और संसदीय मर्यादा के पालन पर सहमति बनाने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? यह संसदीय प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हुए लोकतंत्र को कैसे रचनात्मकता प्रदान करता है? तर्क सहित स्पष्ट करें।